नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मुर्मी राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बात करें एमपी के मेन एग्जाम के लिए। देखिए, अभी अपना चल रहा है जून का महीना, जुलाई के अंत तक आपको फॉर्म भरने हैं, तो जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। और एट द टाइम आप सब लोग जोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि दिखती बात है जब आपका प्री हो गया है तो मेन को लेकर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही आप लोगों ने रीट भी लगा रखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रीट लगा रखी है, शायद रीट का कोई डिसीजन आ जाए। देखो, रीट का डिसीजन आएगा नहीं, आप में से किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन में पीछे नहीं हटना है। जो लोग एक दो मार्क्स से पीछे चल रहे हैं और उनको लगता है केस फाइल हो रखा है, वो भी अपनी स्टडी स्टार्ट करें। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस पेपर निकालना है। क्या करना है आपको अपने प्रीवियस पेपर निकालना है, उसको एनालाइज करना है। और ये मान के चलना है कि पैटर्न हर साल चेंज होता है, ये मान के चलना है कि पैटर्न हर साल चेंज होता है। तो हमें प्रीवियस ईयर के पेपर को फोकस करते हुए अपने बैरेट को फोकस करना है, क्योंकि बैरेट से बात तो नहीं जाएगा, लॉ से बात तो नहीं जाएगा, जो उसमें लिखा उसी का होगा, उसको फोकस करना है। साथ ही साथ कैसे पढ़ना है, आपको टारगेट बनाना है कि भैया एग्जाम कभी भी हो, मुझे डेली इतने आर या इतना मेरा प्लान जो है मुझे पढ़ना है, मुझे इतने सब्जेक्ट डेली के निकालने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि मैं बीमार भी हूँ तो भी मुझे मेरे 24 घंटे में से इतना टारगेट तो कंप्लीट करना है, चाहे मैं रीडिंग करके करूँ, चाहे मैं याद करूँ। ठीक है, मेन के एग्जाम के लिए जो है आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। जो भी आप पढ़ते हो वो अपने कीवर्ड्स लिखते रहो साथ साथ, और जब भी इच्छा हो एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया करो, ताकि आपको डे बाय डे लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक आंसर भी आप लिखते रहेंगे। जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है वहाँ पर अपने आंसर चेक करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है, ये सब आपको डेली करना है। इसी के साथ सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस में टेस्ट लिखे हैं, इस बार रीजनेबल रेट रखा है ताकि हर कोई ले सकता है, क्योंकि फीस ज़्यादा होने पर ले नहीं पाते। जैसे मैंने आपसे कहा कि 9th मंथ मेरा चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो आज कल परसों कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो मैं आपके लाइव सॉल्यूशन नहीं करा सकूंगी। लेकिन हाँ, आपको यहाँ से जो पेपर मिलेगा, वो आपके पास पेपर आएगा पीडीएफ फाइल में, आप उस पेपर को निकालेंगे, उसको लिखेंगे, लिखने के बाद वापस एक पीडीएफ फाइल बना के हमें भेजेंगे, यहाँ पे वो चेक होगी। चेक होने के बाद आपकी जो भी इसमें कमियाँ हैं वो आपको लिख के दी जाएगी, जो भी आपकी कमियाँ हैं वो आपको लिख कर दी जाएगी कि आपको इन कमियों को ठीक करना है। और एक टारगेट रहेगा, इतने दिन में आपका पेपर होगा और आपको अगले 3 दिन में 4 दिन में आपको अपना प्रिपरेशन कम्प्लीट करना है। इसके साथ साथ तो ये तो सिंपल था कि आप केवल टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, इंडियन सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है, मतलब 1x1 है। मॉक टेस्ट नहीं चलाया अभी, मॉक टेस्ट में थोड़ा फ्री हो जाऊंगी जुलाई में, मिड जुलाई में, तो उस समय मॉक टेस्ट लाऊंगी। फिलहाल टेस्ट सीरीज है, ये सब के आपको एक एक पेपर मिलेंगे जो आप लिख के मिलेंगे। ये पेपर का जो फॉर्मेट होगा हमारे यहाँ से होगा पीडीएफ फाइल में, और आप मुझे वापस बना के भेजेंगे पीडीएफ फाइल। ठीक है, फिर यहाँ से चेक होकर एनालिसिस होकर देंगे। इसका फीस है 1000 रुपीज इस पूरे टेस्ट सीरीज का। यदि आपको टेस्ट सीरीज प्लस साथ में आपको स्ट्रेटजी प्लान लेना है, यानी टेस्ट सीरीज के साथ स्ट्रेटजी प्लान के रोज आपको कितना और कैसे पढ़ना है, कितना और कैसे पढ़ना है, इसका फीस है 2000 रुपीज। जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, साथ में वीडियो मिलेगा, उस वीडियो में आपका डे बाय डे का रूटीन होगा, ताकि आप कहीं भूल जाओ तो आप उसको ऑन किया, हाँ भैया मुझे ये कम्प्लीट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम से पहले 3 टाइम कोर्स कम्प्लीट कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे, वो है टेस्ट सीरीज प्लस स्ट्रेटजी प्लान प्लस इंपॉर्टेंट सेक्शंस, कि आपको किस सेक्शन को फोकस करना है फॉर द पर्पस ऑफ मेन एग्जाम। तो आपको सेक्शंस बताए जाएंगे, कई बोलते स्मार्ट स्टडीज मस्ट, पूरा पढ़ने के लिए अच्छी चीजें भी चली जाती हैं, और इसका फीस अगर तीनों लेते हो तो हमें रहता है 4000 रुपीज। ठीक है, ये 3 चीजें हमारे पास हैं, आप केवल 1000 वाला भी ले सकते अपनी कंटिन्यूटी के लिए, 2000 वाला ले सकते हैं स्ट्रेटजी प्लान के साथ, और 4000 ले सकते हैं जिसमें आपका टेस्ट पेपर भी होगा प्लस आपका स्ट्रेटजी प्लान भी होगा और साथ साथ आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी होंगे। अभी चल रहा अपना जून का महीना, तो स्टार्ट हो जाएगी फिर 18 जून से। ठीक है, लेकिन जैसे चलती रहेगी और एग्जाम नहीं आते हैं, मान लीजिए 15 जुलाई के बाद एग्जाम होते हैं, तो फिर एक दिन मैं लाइव क्लास लूंगी। अगर उससे पहले हो जाता तो 15 जुलाई से पहले मेरे लिए आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ 15 जुलाई के बाद पेपर होता है तो फिर एक दिन लाइव क्लास लूंगी वापस में, जो उन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा होगा उसके लिए क्लास होगी, और उसमें प्रेजेंटेशन भी सिखा दूंगी मैं लाइव क्लास आकर। फिलहाल सिचुएशंस जो है वो आपके सामने है, तो अगर 15 जुलाई के बाद पेपर होता है और मैं कंफर्टेबल हूँ
तो 15 से 20 जुलाई के बीच में एक लाइव क्लास भी कर लूंगी, आपकी ऑनलाइन लाइव क्लास हो जाएगी जिसमें आपको एक पेपर का पूरा प्रेजेंटेशन बता दूंगी। वैसे तो आपके साथ में लिखा हुआ आएगा, जो कॉपी चेक होके आएगी उसमें आपके लिखा हुआ आएगा कि प्रेजेंटेशन आपको और ठीक क्या करना है कैसे, और मेरे वॉइस नोट आते रहेंगे आपके पास, उसकी आप चिंता ना करें। जब भी मुझे आपके डाउट लगेंगे तो मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगी, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आएगी। बट वही ना, लाइव क्लास में कई सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए, उनको पता है कि मैं पेपर का सॉल्यूशन भी करवाती हूं, बट फिर उसकी फीस थोड़ी ज्यादा भी लेती हूं। बट इस बार जो सिचुएशन उस हिसाब से, तो एक लाइव क्लास 15 जुलाई के बाद होप है मैं कर लूंगी। तो फिलहाल आपके पास ये ऑप्शन है एमपी के लिए, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। फिलहाल आपको अपनी स्टडी करनी है, इधर उधर की सारी बातें दूर करनी है। आपको एक मौका मिला है, 200+ सीट्स हैं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आप लगे रहिए। अब आता सेकंड जजमेंट राइटिंग, ये तो था केवल टेस्ट सीरीज। अब जजमेंट राइटिंग की मेरी यहाँ क्लासेस चल रही है, लेकिन अब नेक्स्ट जजमेंट राइटिंग की क्लासेस स्टार्ट होगी वापस 15 जुलाई से, है ना, 15 जुलाई से होगी। लेकिन इसी बीच मैं जजमेंट राइटिंग का टेस्ट पेपर चलाऊंगी, वो आप ले सकते हैं, बट वो चलेगा 15 जुलाई से टेस्ट पेपर, है ना। इसके साथ ही ऐसे राइटिंग का भी टेस्ट पेपर होगा, यानी आप हमें ऐसे लिख के भेजेंगे, यहाँ पे एनालाइज होगा, हम बताएंगे आपने क्या गड़बड़ियां हैं, उसको कैसे आपको ठीक करना है। जजमेंट राइटिंग का भी टेस्ट ही होगा, इसमें नहीं है टेस्ट बिल्कुल, वो अलग से रहेगा। उसमें भी यही है कि आप हमें जजमेंट लिख के भेजेंगे, यहाँ पे चेक होगा और जो कमियां होंगी वो हम आपको बताएंगे इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले, जब एग्जाम आता है उससे पहले मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल वही एमपी के जैसे पेपर आते हैं उसी की तरह उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट में दे दी जाएगी। तो अधिक जानकारी के लिए, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए 9950574460 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म फिल करके स्क्रीनशॉट भेज के आप आगे का प्रोसेस देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अब तो कोरोना भी काफी शांत हो गया, लेकिन हमें माई सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। कोशिश करें मॉर्निंग आर्मी ज्यादा से ज्यादा पढ़े, सुबह 3 बजे उठ के पढ़े और रात को 9 बजे बस सो जाइए, क्योंकि दिन भर की टायर्ड रहती बॉडी, रात को पढ़ाई नहीं होती। बाकी जैसा आपका शेड्यूल है आप उसको फॉलो करें। आज के लिए